आ गया, निजी बयान है, नकाब उतार दिया, पल्ला झाड़ा जा सकता है, इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है। भाई जयराम रमेश का ट्वीट देख लीजिए आपकी, वो क्या कह रहे हैं। देखिए हिमानी जी, मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। सनातनी परंपराओं का पालन करते हुए कृपा करके कोई मेरे बीच में न बोले, वरना वो अभद्रता मानी जाएगी। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अनुसार बीजेपी बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है, अमीरों और गरीबों के बीच में इस मुद्दे को ऊपर उठा रही है। देखिए मैं साम्यवादी नहीं हूं। विरासत कर की बात कौन लाया? मानी जी शांत, मुझे बोलने दीजिए। डॉक्टर लोहिया का सिपाही हूं। इस देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जीवित हैं और एक आदमी 10 लाख करोड़ का मालिक है, 10 लाख करोड़ की संपत्ति गरीबों में बटेगी। इस देश में कॉरपोरेट टैक्स को कम करके 1.5 लाख करोड़ का आपने फायदा पूंजीपतियों को दिया है, उनका टेटुआ दबा के निकाला जाएगा और गरीबों में बांटा जाएगा। हर आदमी को, हर औरत को हिंदुस्तान के 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, 9,000 रुपए महीने उसको दिया जाएगा। आपकी थ्योरी शायद सैम पित्रोदा जी से अलग है। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। आपकी थ्योरी अलग है सर। 1 लाख करोड़ के जो ऋण माफ किए हैं, वो ऋण के माफ टेटुआ दबा के निकाले जाएंगे। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के 10,000 करोड़ के लोन, आप उसको चेंज कर रहे हैं। सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, सुनिए ना, देश की 55% टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, ये किस तरह की बात? प्रोफेसर गुजराती लोग का मतलब क्या? ये मैं चैनल पे नहीं जा रही हूँ। ये गुजराती का मतलब क्या है? ये गुजराती का मतलब क्या है? नो नो, गुजराती भारत के लिए नहीं, नो, हमारी जब तक माफी नहीं मांगी आपने, मैं डिबेट से बाहर जा रहा हूँ। कर ले गुजरातियों को गाली दे, देश की जनता देख ले, देश की जनता देख ले, इस आदमी को अपने आप को प्रोफेसर कहता है, गुजरातियों को गाली देता है, कभी हिंदू वालों को गाली देता है। गुजरात को गाली जी, एक बार प्लीज, गुजरात को गाली नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगी, प्लीज गुजरातियों को गाली, बैठ जाइए, बैठ जाइए, गुजरातियों को गाली कैसे जी, आप बैठ जाइए, गाली कैसे दी? ये अगर इस तरह से चलेगा तो सॉरी, डिबेट में यहीं पर ही कर दूंगी। नहीं हो, लेकिन किसी को गाली नहीं, आप ही तो बोल रहे हैं सर, किसी भी गाली नहीं सुने, एक सेकंड। लेकिन देखिए जब आप बोल रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, कंट्रोल प्रोफेसर कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक, एक सेकंड सर, आदमी कह रहा है कि मैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन ऐसे किसी भी टीका कह रहा है गुजरातियों को, नहीं सुनिए, मुद्दे पर रहिए बजाय इस तरह की टिप्पणी, ठीक है सर, एक बार। और मुझे पहले तो ये बताइए, नहीं आप बिल्कुल चेंज कर रहे हैं उसे 360 डिग्री, बात रोक चुके हैं, जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब आप जवाब, महात्मा गांधी कौन था? महात्मा गांधी का इस तरह से नहीं चल पाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां गए? नहीं चल पाएगा, मोरारजी देसाई कहां गए? अवस्थी सर, बैठ जाइए, वल्लभ भाई पटेल कहां गए? अवस्थी जी, आपको चोर नजर आते गुजरात, देखिए ये गुजरातियों ने चोर गिना है, आप संभाल लीजिए, मैं जा रही हूं सर, आप ही लोग, आप लोग प्लीज यहां पर आ जाइए, मैं जा रही हूं प्लीज, क्यों मैं चोर नाम गिना है? आप लोग, पहले तो मैंने आपसे कहा, मैं सभी से कह रही हूं पैनल पर कि प्लीज इस तरह सर, नहीं अब ये मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये मैं डिसाइड करूंगी, लेकिन सवाल तो यहां पर ये भी है, डॉक्टर खान का मैं रुक करूंगी, आ रही हूं सिद्धार्थ जी, वरना यहां पर अभी फिर शुरू हो जाएगा, डॉक्टर खान का मैं यहां पर रुक करूंगी। डॉक्टर खान, क्यों ना जो सबसे पहले वो परिवार है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भैया सबसे पहले तो जो विरासत टैक्स है जिसकी बात लाने की ये बात कर रही है कांग्रेस, वो सबसे पहले उस परिवार को देना चाहिए जो शुरू होता है नेहरू से, फिर इंदिरा जी के बाद राजीव जी, फिर राजीव जी के बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, हो सकता है उनके बच्चे भी फिर आ जाएं। हिमानी जी, मैं उसी बात को कर रहा था, इस मुद्दे की शुरुआत किसने की? बीजेपी ने, अरुण जेटली साहब ने समर्थन दिया, जयंत सिन्हा साहब ने उठाया, आज बीजेपी मौन है। 2018 में बातें आई थी, 2019 में बातें के साथ एक बार सिद्धार्थ जी को भी लीजिए, मुझे समझे आप, आज जिस मुद्दे को बीजेपी ने खुद ही उठाया, आज वो गेंद दूसरे के पाले में डाल रही है। कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है, किसने उठाया? 2011-2012 में जाकर चिदंबरम जी की भी बात सुन लीजिएगा, क्या तरीका है, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है। अभी अजीब आदमी है भाई, क्या मतलब है, क्या हिमानी जी क्या डिबेट करा रही हैं? ठीक है मुझे बोलने दे, हाँ आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है, और आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई निजी बयान क्या होता है सर? लेकिन सुनिए मेरी बात, लेकिन जो कांग्रेस का सर्वे का इशू आया है, वो सर्वे में ये बताइए ईडब्ल्यूएस क्या है?
ईडब्ल्यूएस को जरा एक्सप्लेन किया जाए। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसे पता चलेगा इस देश में, कैसे पता चलेगा कौन इकोनॉमिकली वीक है? जब तक सर्वे नहीं होगा, जातीय जनगणना नहीं होगा, हाँ। लोगों के बारे में जानकारी नहीं। एक बार, एक बार आपकी बात पर, आपकी बात पर सिद्धार्थ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर खान, ठीक है, एक पॉइंट वाइज चलते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं पहले तो हिमानी जी जो बात अभी पहले भी कही जा रही थी उस पर आपत्ति दर्ज करा करके, जो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर के आप किसी प्रदेश को गाली देते हुए उस प्रदेश में क्या रहा, कौन रहा? अरे महात्मा गांधी को भूल गए, वल्लभ भाई पटेल को भूल गए, सबको, मोरारजी देसाई को भूल गए। एक एक कर, प्लीज एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। प्रदेश आपत्ति दर्ज कराता हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं। ठीक है, एक मिनट, आप उनको कंप्लीट करने दीजिए सर। घोर आपत्ति मैं दर्ज कराता हूं। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, टेटुआ दबा करके निकाल लेंगे उनका। रॉबर्ट वाड्रा का भी टेटुआ दबा करके निकाल लेना, निकाल लेना जो नेहरू नहीं देखे गए देश को, निकाल लेना जो इंदिरा जी नहीं देखे गए देश को। अरे आप लोग, हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज आप इस देश, आप भी वही कर रहे थे, वो भी वही कर रहे हैं। आज आप इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी संपत्ति का सर्वे करके और तुम्हारे में से देखेंगे किसको कितना बांटना है। अब आप, और आप जब गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर वो टिप्पणी की थी? नहीं नहीं, सुनिए ना प्रोफेसर स्वामी, प्रोफेसर स्वामी जब आप भी गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर टिप्पणी की? ये तो सबको समझ आ रहा है ना सर। मैं हिमानी जी अपनी बात पूरी कर लूं, ठीक है। अब ये लोग जब ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चुनाव में गए हैं और चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पीछे से खिसकाना चाहते हैं वोटों के लिए, और उसके बाद यहां बैठ करके किसी प्रदेश को गरियाएंगे, कभी किसी और व्यक्ति को गरियाएंगे। हमने नहीं कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखिए, हमने नहीं कहा था। आप प्रोफेसर साहब है, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपका सम्मान है। हमने किसी को नहीं कहा, यहाँ पर बैठ करके गारंटियां गिनवा रहे, गारंटी, अरे ये भी गिनवा दी, कितनी बार माइनॉरिटी की बात है। आपका भी मौका आएगा बोलने का, बड़ी शांति से थोड़ी हिम्मत रखा। सैम पित्रोदा ये भी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो कहा जा रहा है दरअसल ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। मंगलसूत्र और सोना छीनने जैसा पीएम के बयान पूरी तरह से अवास्तविक है। मैं बस 30 सेकंड लूंगा। आ रही हूं सर। कोई मोड़ तोड़ के कुछ नहीं पेश कर रहा। कांग्रेस पार्टी की मंशा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश जानता है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे इस देश की रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है किसी का, ये कहते हैं तो ये आगे देंगे, अरे आज से पहले भी दिया आपने देश में, रिजर्वेशन में। कर्नाटक का एग्जांपल हमारे सामने आ गया, बंगाल का एग्जांपल है, ओबीसी में 91 कास्ट गई, 85 मुस्लिम कम्युनिटी से थी। ये देश के जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह के गए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आप लोग कौन है संविधान को तोड़ने वाले? आप लोग कौन है ये कहने वाले कि जुडिशरी में भी धर्म विशेष के आधार पर हम जजेस को बनाएंगे? आप लोग कौन है वो कहने वाले कि देश में जो मेहनत करके अर्जित किया है पैसा, ये जो देश की जनता का पैसा है ना, ये स्कैम का नहीं है। अगर बांटना है तो 5,000 करोड़ की बेल पे जवाब बाहर है ना, उस पैसे को बांट दीजिए। बांटना है तो जिस जिन एनजीओ के आप चेयरमैन बने बैठे हैं ना, राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर के क्या क्या, उस पैसे को आप बांट दीजिए। और यहाँ पर आप देश के लोगों का पैसा लेकर के बांटना चाहते हैं। एक बार चंद्रमोहन जी मुझे बोलने, एक सेकंड सर, आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी देखिए, बेसिक क्या है, जब मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाना और विक्टिम कार्ड खेलना हो तो वो भाजपा और भाजपा के समर्थकों को बड़े आसानी से आ जाता है। और सुनते रहना बड़ा आराम से, मैंने बहुत तसल्ली से सुना है। आपने मेरे नेता के रिश्तेदार का भी नाम लिया, मैंने बड़ी शालीनता से सुना, क्योंकि मैं वक्त सुन लीजिए, मैं आराम से बोलता हूँ। मैंने बोला नेता के रिश्तेदार, मेरे से मिस्टेक नहीं होती है। अब आगे विजय की बात आती है। विषय क्या है, आपको कब याद आने लग गए महात्मा गांधी? तब जब महात्मा गांधी की शहादत के ऊपर और महात्मा गांधी को आप गोलियां मारे और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। आप महात्मा गांधी की याद करते हैं, आप गुजरात के व्यक्तियों की इज्जत करते हैं। सुन लीजिए, और अभी तो मैंने थोड़ी सी आग लगाई है, थोड़ी सी और लगाता हूँ। अच्छा, मेरे अवस्थी जी हाँ सुनिए, आप मत करिए, मैं हिंदी उधर से खिला रही हूँ, आपसे ज्यादा परफेक्ट हूँ। और अभी अवस्थी जी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने पहला वक्तव्य बोला था तो एक देश के नागरिक जो इस डिबेट में बैठा और एक धर्म को बिलोंग करता है, इमीडिएट आपने अटैक करता उसके ऊपर, किस हैसियत से करा था आपने? मुसलमान क्या संविधान, क्या देश आपको आजादी देता है कि आप जब एक वर्ग का व्यक्ति खड़ा हो और आप उसके ऊपर प्रेशरिंग खड़ा करने लग जाए? कौन देता है आपको अधिकार? लेकिन आपका अहंकार आपको अधिकार देता है, आप संविधान को तार तार करते हो।